ये पूरी तरीके से दिल्ली को बदहाल करने में आम आदमी पार्टी का रोल रहा है। इन्होंने 3C के मॉडल पर काम करने का काम किया है। 3C अर्थात करप्शन, कमीशन और दिल्ली की जनता को चीट करने का काम किया है। आज लोगों को गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी को ये 10 साल के रिपोर्ट को लेकर देवेंद्र यादव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? ये पूरी तरीके से दिल्ली को बदहाल करने में आम आदमी पार्टी का रोल रहा है। इन्होंने 3C के मॉडल पर काम करने का काम किया है। 3C अर्थात करप्शन, कमीशन और दिल्ली की जनता को चीट करने का काम किया है। हमने इनको एक्सपोज करने की कोशिश की है। दिल्ली की जनता आज जब इनको 11 साल के बाद इनके विधायकों को ये सुध लगी है या पार्टी ने उनको इंसिस्ट किया है कि आप जनता के बीच जाइए, तो मैं समझता हूँ कि जो जनता के मन में जो सवाल थे उनको पूछने का समय आ गया है। आज दिल्ली की जनता ये पूछती है कि आपने 900 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात की थी, आपने 420 जो एग्जिस्टिंग डिस्पेंसरीज थी उनको बंद कर दिया और मात्र 541 मोहल्ला क्लिनिक खोले, और उनमें भी क्या हालत है, उनमें भी करप्शन सामने आ रहा है। 65,000 सैंपल्स मालूम नहीं चल रहा है कि किसके थे। इसी प्रकार से चाहे स्कूल की बात करें, इन्होंने बात की थी हम 500 नए स्कूल खोलेंगे, मात्र 39 नए स्कूल खोलकर इन्होंने अपने इतिश्री कर दिए, और नए नए कमरे बनाने के नाम पर भी घोटाला हुआ, वो विजिलेंस के सामने आया है। मैं इसी प्रकार से इंगित करना चाहता हूँ, चाहे सीवेज की बात हो, घर घर पानी पहुंचाने की बात हो, आज वो पूरी तरीके से फेल साबित हुए। इसी प्रकार से आज लोगों को गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आज लगभग आधी आबादी गंदा पानी की वजह से पानी को खरीदना पड़ रहा है, जिसकी वजह से टैंकर माफिया और बॉटल माफिया अपने जड़े मजबूत कर रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि बुजुर्गों की पेंशन हो या गरीबों के राशन कार्ड हो, पिछले 11 साल में कोई राशन कार्ड नहीं बन रहा, कोई पेंशन नहीं बन पा रही है। आज जो विधवाएं हैं वो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ज़्यादा की वो परेशान है। तो ये सवाल लोगों के मन में है, हमारा मानना है कि ये सवालों का जवाब लेकर ही इस ये विधायक क्षेत्र में जाए। सर, जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी सलामती घोटाले के मामले में जेल के अंदर हैं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी अब डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू करने वाली है, आपका विधायक आपके द्वारा, तो कितना असर पड़ सकता है इस बात, क्योंकि चुनाव भी करीब है विधानसभा। हमने कहा कि ये 3C का मॉडल उनका एक्सपोज हो चुका है, इन सवालों के जवाब लेकर जाएं, जनता तैयार बैठी है उनसे सवाल पूछने के लिए और उनको उचित जवाब देने के लिए वो भी तैयार है 2025 में। सर, आखिर में एक सवाल ये रहेगा कि दिल्ली में जगह जगहों पर कॉलोनियां तोड़ी जा रही है अवैध बताकर के, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसमें भी साफ तौर पर करप्शन है। पहले अवैध कॉलोनियों को बसाने का काम किया जाता है, इंजीनियर्स, पुलिस सब लोग पैसे लेते हैं और फिर उनको तोड़ने का काम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी परेशान है आज जनता, इसीलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली बदहाल हो चुकी है। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार के 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के विकास को बदहाल करती है, और ऐसे में दिल्ली में विकास होना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सकते हैं पंजाब के सेंटर फॉर्म दिल्ली।